जहां तक बजट का सवाल है, अगर मेरे को एक लाइन में अगर इसे पूरी बात कहनी हो तो मैं ये कहूँगा कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो ये शेयर बाजार पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा ही बजट है, और इसका कारण एक और भी है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशन लगा ली थी, और हम सोच रहे थे कि ये भी मिल जाएगा वो भी मिल जाएगा। हर आदमी को कोई ना कोई उम्मीद थी, और जो कि ज़िंदगी में सारी उम्मीदें पूरी नहीं होती है, वैसा ही इस बजट में भी हुआ है। और एनीवे, अभी बजट तो आया और चला गया, ये तो आया राम और गया राम जैसी बात हो गई। अभी वापस जो लोगों का जो फोकस है वो शिफ्ट होकर आ जाएगा इकोनॉमी के ऊपर में, जो इकोनॉमी की जो मंदी जो चल रही है, अब ये देखना है कि उसके लिए सरकार आगे क्या करती है। ऐसा नहीं है कि बजट अगर आया और उसके बाद में सरकार कुछ करेगी नहीं, और ऐसे भी कोई ज़रूरी नहीं था कि उनको बजट पे कुछ करने का था। तो अभी फोकस जो है वो अभी सिमट के आ जाएगा कि अभी इकोनॉमी के ऊपर में, और जो दूसरा और एक चीज़ है, जो प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं इसको सरकार कैसे डील करती है, ये भी इकोनॉमी को मंदी करता है, ये दूसरा फोकस होगा। और तीसरा एक फोकस है वो है ये कोरोना वायरस का, ये जो चाइना का जो चल रहा है, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये देखना चाहिए कि कहीं ये पूरी दुनिया के अंदर में कहीं मंदी न ला दे। तो अभी इन्हीं चीज़ों पर फोकस रखते हैं और आशा करते हैं कि शायद कल अच्छा होगा।